में बैठे हुए हैं। आज हमें हमारा ये तीसरा दिन है एनडीओपी का। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें सीखी, केंगन के बारे में बहुत सारी बातें हुई कि केंगन क्या है और क्यों जरूरी है। तो आज मैं बैठा हूँ डॉक्टर राकेश पाल साहब के साथ में। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब से मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, आज जिस दौर में पूरी ये नई जनरेशन जा रही है, उस जनरेशन को जो एक प्रॉब्लम में मतलब फंस रही है, वहां से उसको बचाने के लिए हमें मालूम है कि पानी बहुत जरूरी है, पानी एक अहम रोल निभाता है हमारे सेहत के लिए, तो उसमें केंगन का क्या रोल है? जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, केंगन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भारत में इलाज की जो पद्धति है, मतलब डॉक्टर इलाज पे विश्वास करते हैं, प्रिवेंशन पे कभी विश्वास नहीं करते जी। और जो केंगन का रोल है बहुत बड़ा, इसे मान लो तीन इसकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते इन प्रॉपर्टी को अंदर से समझता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, अल्कलाइजेशन प्रॉपर्टी है, माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टी है। जो तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एसिडिक स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन स्ट्रेस, जैसे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं यहाँ कोरिलेटेड करना चाहूँगा। तो ये तीनों तरह के स्ट्रेस को बॉडी में से डिटॉक्स करता है, मतलब आउट करता है। तो तीनों तरह के स्ट्रेस खत्म हो जाएंगे। तो एक स्ट्रेस की वजह से, मैं बताऊं आपको, कम से कम 50 तरह के रोग होते हैं। डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा। जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मान लीजिए आप, एसिडिक स्ट्रेस को मान लीजिए, डिहाइड्रेशन स्ट्रेस को ही मान लीजिए। तो ये तीनों, जैसे 50 150 प्रकार के, तो हमें मतलब लगभग सारी जितनी भी नंबर्स ऑफ बीमारियां होती है ह्यूमन बॉडी में, तो सभी से ये हमें प्रिवेंट करने का काम करता है केंगन। जी जी, यहाँ तक मेरा सवाल। बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर साहब ने आपने कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब इस पानी में समाहित है। हाँ। डॉक्टर साहब, इसको हम एक आम बोलचाल की भाषा में एक नए जनरेशन को कैसे समझा सकते हैं, जो आज वो एक तरह से दलदल में फंसते जा रहे हैं, उनकी जो आहार विहार पद्धति समझ ले या कुछ समझ ले, इसको केंगन को हम एक आम बोलचाल की भाषा में एक आने वाली पीढ़ी को कैसे समझा सकते हैं? हाँ जी, ये मैं बता दूं आपको कि हमारी जो बॉडी है, जो 37.5 ट्रिलियन सेल्स है, एक्चुअली ये पूरा सेलुलर थेरेपी है। हमारे जो एक सेल जो रहती है, उस सेल से ही बन के सारे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारी बॉडी बनती है। तो कितना बड़ा रोल हो सकता है, 72+12 मतलब 84% को हम कैसे क्योर कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा प्रोग्राम, हमें खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जी। और एक युवा पीढ़ी जो आने वाले समय के, उसको अवेयर करना पड़ेगा कि इन तीनों तरह के स्ट्रेस से हम कैसे, एक जो बहुत बड़ी मात्रा है पानी की, 72% और खाना की जो 84%, हम अपना कैसे सुधार सकते हैं, तो हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो इन सारे रोगों से मुक्त हो सकती है। अरे वाह, क्या बात करी। तो डॉक्टर साहब, मतलब आपका ये कहना है कि हम अगर अपने पानी को सुधार लें या पानी को ताकतवर बना लें, तो हम बीमारियों को भी भगा सकते हैं। यस, है ना। और बीमारियों को तो आने देंगे ही नहीं, और जो बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हो गई हैं गलत आहार विहार से, वो भी बाहर चले जाएंगे, वो भी बाहर चले। तो डॉक्टर साहब, इसका तो हमें एक बहुत बड़े मुहिम पे काम करना चाहिए और लोगों को समझाना भी चाहिए, जिससे वो समझ सके कि ये हमारे लिए कितना जरूरी रोल निभा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर होने के नाते, मतलब एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि जो ये पूरा सब कुछ सिनेरियो चल रहा है, उसमें एक आम आदमी कैसे जुड़ सकता है इससे, इस मुहिम में कैसे जुड़ सकता है, या कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को इससे बाहर निकाल सकता है जो प्रॉब्लम में फंसा जा रहा है? देखो, सबसे बड़ा इसका मुझे लगता है, जहां तक मेरा सोचना है, एजुकेटिंग का जो पार्ट है जी, तो हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि जो बीमारियों का जो केंद्र बिंदु है, मतलब कहां से बीमारियां पैदा हो रही हैं, अगर हम उनको नहीं रोकेंगे तो आगे चल के कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मान लो जी, एक छोटा सा मुद्दा मैं शेयर करना चाहूंगा पेस्टिसाइड का। तो ये केंगन जो वाटर है, उसमें 11.5 जो पीएच का वाटर निकलता है जी, तो दुनिया में एक पेटेंटेड है ये पूरा, मतलब अमेरिका इतना सक्षम होने के बाद भी लगभग पिछले 20 साल 22 साल से 28 साल से इस मेडिकल डिवाइस को उपयोग कर रहा है। तो पेस्टिसाइड मान लीजिए रिमूव कर रहा है ये 20 मिनट में जी। तो ये कैंसर का, दुनिया का सबसे बड़ा कारण एसिडिक स्ट्रेस और ऑक्सीड, जो तीनों जो स्ट्रेस है उनके अलावा, मतलब पेस्टिसाइड से कितना बड़ा रोल है, तो इसको भी रिमूव करता है। बहुत बढ़िया। और हमें मालूम होते हुए भी हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, हमारे घरों में नहीं चाहते हुए भी हम पेस्टिसाइड कंज्यूम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अनजान शत्रु हमारे पेट में जा रहा है,
जो हमें बीमारियों की तरफ ढकेल रहा है। देखो हम तो नहीं कर रहे हैं अभी, किसान कर रहा है ना, किसान उसकी मजबूरी है, अगर नहीं करेगा तो, अगर वो नहीं करेगा इस्तेमाल तो उसकी फसल खराब होगी। तो देखो हाँ, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, मानता हूँ किसान की बहुत बड़ी मजबूरी है कि फसल को उगाना, लेकिन अगर हमें पूरी दुनिया में जापान ने एक सॉल्यूशन दिया है तो कहते ना परिवर्तनीय प्रकृति का नियम है, इससे इस प्रकृति के नियम को हमें अपनाना चाहिए। जब तक हमें नहीं पता तब तक कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमको पता है तो इस परिवर्तन को बिल्कुल सहज भाव से अंगीकार करना चाहिए और अपनी फैमिली को हमेशा मतलब मैं कहूँगा कि दो पीढ़ियों तक तो हम सुरक्षित कर ही सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक, तो दोस्तों डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और उनका अगर मैं एक शब्दों में कहना चाहूँ तो ये एक तरह से भगवान की तरफ से दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है या उपहार है जो हमारे परिवार को बीमारियों से तो बचाती ही है, जो परिवार आज ट्रबल में है उसको भी ये बाहर निकालती है, इसे डॉक्टर साहब का कहना है। और उन्होंने बहुत सरल शब्दों में बताया कि कैसे कैसे हम अपने पानी को ताकतवर बना करके अपने पानी को, जो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की जो उन्होंने संज्ञा दी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे तीन पानी में है, तीन प्रॉपर्टी है वो हमारे पानी में है और वही सृजन करता है, वही संहार करता है और वही पालन करता है। तो पानी ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे परिवार को अच्छी सेहत दे सकता है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को समझना चाहिए इस चीज को, जो भी आपके संपर्क में लोग हैं, जहां पे भी कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर आपके संपर्क में आते हैं, आप उनको बुला करके अपने घर पे बुला करके इसके बारे में विस्तार से समझना चाहिए और मेरे ख्याल से ये जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद।